गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नाउ स्टडी गोइंग टूडे चैप्टर 3 का। यहाँ पर वन मोर देन स्टडी करेंगे हम, पेज नंबर 30। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वन मोर देन, है ना। वन मोर देन मतलब होता है प्लस वन, वन प्लस वन, है ना। एडिंग वन टू एनी नंबर गिव द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर्स, मतलब हम किसी नंबर में अगर वन एड करते हैं तो वो ग्रेटर नंबर बन जाता है, बड़ी नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे कि वन मोर देन वन, वन में हम वन को ऐड करेंगे तो वन प्लस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये टू बन जाता है। वन मोर देन टू, टू में वन ऐड करेंगे तो टू प्लस वन इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये थ्री। वन मोर देन फाइव, फाइव में वन ऐड करेंगे तो फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स। जैसे कि यहाँ पर नंबर लाइन शो किया गया है, वन में प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाता है, वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू। इसी प्रकार से हम टू में अगर प्लस वन करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये थ्री, है ना। और फाइव में प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर और दिया गया है वर्क आप लोगों के लिए, वन मोर देन सेवन, है ना। सेवन में हम वन अधिक करेंगे तो सेवन प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट। वन मोर देन फोर, है ना, फोर में हम वन ऐड करेंगे यानी कि फोर प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव। वन मोर देन सिक्स, है ना, सिक्स प्लस वन करेंगे तो कितना होगा, सेवन। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सिक्स प्लस वन इक्वल टू कितना होगा, सेवन। फाइव प्लस वन इक्वल टू सिक्स, एट प्लस वन इक्वल टू नाइन। इसी प्रकार से यहाँ पर टू प्लस वन थ्री, है ना, इसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, है ना। वी यूज एडिशन इन मनी सिचुएशन इन रियल लाइफ, कुछ सिचुएशन में हम अपने जीवन में एडिशन का यूज़ करते हैं। देयर, जैसे कि यहाँ पर देखिए, देयर आई फाइव पेंसिल इन अ बॉक्स, है ना। ये बॉक्स में फाइव पेंसिल रखा हुआ है, काउंट कीजिए इसको, वन टू थ्री फोर फाइव, है ना। देयर आर थ्री पेंसिल इन अनदर बॉक्स, और दूसरी बॉक्स में कितने पेंसिल रखा हुआ है, वन टू थ्री, ठीक है। हाउ मनी पेंसिल आर देयर इन ऑल, तो सभी पेंसिल जो है कितने हैं, इसको आपको काउंट करना है। तो वन बॉक्स में कितने पेंसिल है, वन टू थ्री फोर फाइव, और टू बॉक्स में वन टू थ्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइव प्लस थ्री, है ना, इक्वल टू कितना होगा, इसको आपको बताना है। तो काउंटिंग कीजिए, फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट, है ना। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वी से, है ना, हम क्या कहेंगे, देयर आर फाइव प्लस थ्री इक्वल टू एट पेंसिल इन अ ऑल, सभी पेंसिल कितने हैं, एट हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देयर वेयर सिक्स बर्ड्स ऑन अ ट्री, है ना, थ्री बर्ड्स ऑल्सो फ्लेव इन एट सेट देयर, हाउ मनी बर्ड्स वेयर देयर ऑन द ट्री ऑल टूगेदर, है ना। तो यहाँ पर देखिए सिक्स बर्ड्स जो है यहाँ पर ट्री में है, ठीक है, और थ्री बर्ड और भी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर सिक्स बर्ड है, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना, और यहाँ पर थ्री बर्ड्स जो है और आ जाते हैं, ठीक है, वन टू थ्री। तो टोटल जो है यहाँ पर कितने, एक साथ अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कितने बर्ड्स होगा, ये पूछ रहे हैं। तो चलिए काउंटिंग कीजिए, सिक्स पहले से है लेकिन थ्री बर्ड्स जो है और आ जाते हैं, है ना। तो सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाइन, है ना। काउंट कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, है ना। तो देयर वेयर नाइन बर्ड्स ऑन द ट्री ऑल टुगेदर, है ना, सभी जो है साथ में कितने हैं, नाइन हैं। इसको आप लोग अपने बुक में क्या करोगे, वर्क करोगे। अब इधर भी आप लोगों को ये जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है अपनी बुक्स में, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।